कलर्स टीवी के पॉपुलर सीरियल सिर्फ तुम में हमें आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। वेल, जैसा कि हमने अब तक एपिसोड में देखा है कि सुहानी और रणवीर जो है फंसे होते हैं, जहां रणवीर है सुहानी को बचाता है खाई से और इसी के साथ प्रॉमिस भी मांगता है कि अब तुम अपने दिल की सुनोगी, जो दिल कहेगा वही करोगी और अपने हक के लिए लड़ोगी। वेल, यहाँ पर रणवीर को सुहानी प्रॉमिस कर देती है, वहीं सुहानी भी ये प्रॉमिस मांगती है कि तुम गुस्सा कम करोगे और रणवीर प्रॉमिस भी कर देता है। खैर, इसी के साथ हम आगे एपिसोड में ये भी देखते हैं कि राकेश है जो रणवीर को थैंक यू कहता है और तभी रणवीर का रिप्लाई होता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। खैर, यहाँ पर कॉलेज में पता चलता है डीन को और डीन जो है रणवीर की खूब तारीफ करेंगे और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कॉलेज की तरफ से इस बहादुरी के लिए रणवीर को सम्मानित किया जाएगा। अब ऐसे में यहाँ पर जो रणवीर है इस बात से खुश है और वहीं कॉलेज और डीन की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर मिस्टर ओबरॉय जो है यहाँ पर रणवीर और सुहानी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ रणवीर की माँ को धमकी देते हैं और काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि अपने बेटे को उससे दूर करने के लिए। अब ऐसे में देखना ये है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुहानी और रणवीर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जहाँ सुहानी भी खिंचती हुई नजर आ रही है रणवीर की तरफ। तो क्या सुहानी और रणवीर का साथ देंगी रणवीर की माँ? जानने के लिए देखना ना भूले सिर्फ तुम। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।